नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की संकुल ब्लैक व जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तरुण पंत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद जिला क्रीड़ा समन्वयक जितेंद्र सिंह बल्दिया, जिला सह समन्वयक निर्मल किशोर भट्ट व विभिन्न ब्लॉकों के बीआरसी व सीआरसी समन्वयकों व खेल संबंधित शिक्षकों के साथ खेलों के आयोजन व तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी कमलेश उप्रेती, शिक्षक हरीश पंत, विक्रम भंडारी, त्रिलोचन जोशी, एनडी पंत, कैलाश भट्ट, पंकज तिवारी व ब्लॉक खेल समन्वयक विन मुनाकोट, तनाली शीना, धारचूला, मुनस्यारी, बेरीनाथ, डीडीहाट, गंगोलीहाट आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व शिक्षकों द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी तरुण पंत को शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ कैंपस की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर छात्र नेता दीपक खड़का के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने अल्मोड़ा पहुंचकर सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति से भेंट की। इस दौरान छात्र नेता दीपक खड़का ने बताया कि अंक तालिकाओं में भारी गड़बड़ी के चलते छात्र छात्राएं अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। कई बार मांग करने के बाद भी खामियां दूर नहीं की जा रही हैं। बताया कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अब तक विश्वविद्यालय की साइट पर अपलोड नहीं हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कैंपस की अन्य विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग की, जिस पर कुलपति ने समस्याओं के समाधान को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नैनीताल पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 1 अगस्त को कोतवाली मलिताल में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज अभियोग के खुलासे तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक मलिताल हरपाल सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह मेहता व पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए चोरी के मामले में संलिप्त आरोपी हिमांशु सिलोनी पिथौरागढ़ को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से रिलायंस जियो टावर के ओडीसी बॉक्स का लॉक तोड़कर ई2 स्विच और इंडस टावर से डेल्टा कंपनी का कंट्रोलर व एयरटेल कंपनी का स्ट्रीम वाईफाई डोंगल बरामद किया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। इधर बाइक को 5 सीटर बनाने वाले चालक के विरुद्ध पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन का सीज कर दिया। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना के आदेशानुसार यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत यातायात प्रभारी वेद प्रकाश व टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक बाइक जो बेलपड़ाव से रामनगर जा रही थी, जिसमें 5 सवारी सवार थी, टीम द्वारा चालक शानबाज निवासी बिजनौर का मौके पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही करते हुए वाहन को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 171 वाहन चालकों के मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ₹65,000 संयोजन शुल्क जमा किया गया। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। बीती रात पिथौरागढ़ के बलुवाकोट क्षेत्र में एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार तीनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार बलुवाकोट से पयामपौड़ी को जा रहा एक बलेरो वाहन रोड़ी खान बैंड के निकट अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में सवार चालक सहित तीन लोगों ने कूद मारकर अपनी जान बचा ली। खाई में गिरे वाहन के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना पर बलुवाकोट थानाध्यक्ष मुनव्वर हुसैन के नेतृत्व में कांस्टेबल प्रभात, विनोद, सुनील व होमगार्ड गोकुल, मुकुल, लक्ष्मण व नरेंद्र अविलंब मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष मुनव्वर हुसैन ने बताया कि वाहन में सवार तीनों लोग वाहन की खाई में गिरने से पहले ही छिटक गए और सुरक्षित हैं। अचानक वाहन के ब्रेक नहीं लगने के कारण हादसा होना बताया जा रहा है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।